जैसे ही जाने की तैयारी करी, सुभाष की भाभी सामने से रास्ता घेर लेती है और कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो। तो सुभाष चंद्र बोस जवाब देता है कि भाभी मैं अपने देश भाभी हाँ जी भाभी श्री भाभी जी जी आपने रास्ता रोकी है क्यों? कहाँ जा रहे हो? मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश जा रहे हो? मुझे कई देशों का दौरा करना है। अच्छा, क्योंकि मुझे अपनी भारत माता को आजाद कराना है। अच्छा, अंग्रेजों की अधीनता से अपने देश को मुक्त कराना है। अच्छा, इसलिए मुझे कई देशों का दौरा करना है। अच्छा जी, और भाभी हाँ जी ऐसा भी हो सकता है हाँ। कि मैं अपनी भारत माता के लिए हो सकता है अपने प्राणों की आहुति दे दूं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहां से जीवित लौट आऊं। हाँ हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहां से जीवित ना लौट पाऊं। ऐसी बातें ना करें। लेकिन भाभी अगर मैं विदेश से वापस आऊं, जी हाँ, तो मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊं। मेरी भी एक चाह है कि आप अगर विदेश जा रहे हैं तो मेरे लिए कुछ लेके आए। हाँ, मैं बताऊंगा क्या मंगवाना चाहती हूँ। आप जो भी कहोगी मैं विदेश से आपके लिए वही चीज लेकर के आऊंगा। अच्छा जी हाँ, तो मेरी फरमाइश सुनिए। जर्मन, इटली, अच्छा, अनेकों जगह जाना है। अच्छा जी, सिंगापुर जाना है। अच्छा, बहुत दूर दूर जाना है। और रियली, और ये संकल्प ले रखा है मैंने कि जब तक मैं अपनी भारत माता को आजाद नहीं करा दूंगा हाँ, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। अच्छा हाँ, तो मेरे लिए भी कुछ लेके आना। क्या सुनिए बताइए। जी कैसी साड़ी चाहती हूँ विदेश से जो मैं लेकर के आऊँ आपके लिए? मैं उसका कोई डिजाइन, उसका कोई कलर, उसका कोई रंग। मेरे लिए वो अनमोल साड़ी लेके आना जिसके चार तो पल्ले हो। अच्छा। और हर एक पल्ले पे क्या क्या होना चाहिए, पहले पल्ले पे सुन ले किन किन का नाम होना चाहिए, कौन कौन वहाँ पे लिखा होना चाहिए। अच्छा। कान खोल के सुन लीजिए। बताइए। सुनिए। गवर्नमेंट हाउस खुली में